हेलो स्टूडेंट्स, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। बच्चों, लास्ट क्लास वी वर डिस्कसिंग अबाउट द एनसीईआरटी रिवीजन एंड हम बात कर रहे थे पॉलन ग्रेन के स्ट्रक्चर की, स्टैमिन की। स्टैमिन में हमने बात की थी स्टैमिन के स्ट्रक्चर्स, एंथर की, फिलामेंट की और एंथर के अंदर प्रेजेंट माइक्रोस्पोरेंजिया की। आज हम उसी माइक्रोस्पोरेंजिया को डिटेल में स्टडी करेंगे एंड वी विल ऑल्सो डिस्कस अबाउट माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। तो हम स्टार्ट करते हैं। जब हम बात करते हैं बच्चों एंथर की, हमने बात की थी लास्ट क्लास में, एंथर कंसिस्ट ऑफ टू लोब्स और उन टू लोब्स का जब हम ट्रांसवर्स सेक्शन करते हैं तो हमें चार सर्कुलर स्ट्रक्चर्स दिखाई देते हैं और उन फोर सर्कुलर स्ट्रक्चर्स को हम नाम देते हैं स्पोरेंजिया और माइक्रोस्पोरेंजिया। बट गाइस, जब एंथर डेवलप होना स्टार्ट होता है, तो उस माइक्रोस्पोरेंजिया की जगह पर क्या होता है हम डिस्कस करेंगे, कैसे माइक्रोस्पोरेंजिया बनती है और उसी माइक्रोस्पोरेंजिया को हम आगे चलकर पॉलन सैक के नाम से भी जानते हैं। तो गाइस, जब हम बात करते हैं एंथर की, एंथर के लोब्स के अंदर, जब एंथर इमैच्योर होता है, यंग होता है, ग्रो कर रहा होता है, उस टाइम पर इन लोब्स के अंदर स्पोरोजिनस टिश्यूज होते हैं। क्या प्रेजेंट होते हैं? स्पोरोजिनस टिश्यू। यही वो स्ट्रक्चर है जो आगे चलकर जैसे जैसे एंथर मैच्योर होता है ये स्ट्रक्चर्स स्पोरेंजिया में कन्वर्ट होते हैं और उन स्पोरेंजिया को हम बोलते हैं माइक्रोस्पोरेंजिया। क्या बोलते हैं बच्चों? माइक्रोस्पोरेंजिया। तो आज हम इसी स्ट्रक्चर को डिस्कस करने जा रहे हैं। जब हम बात करते हैं एक एंथर के अंदर प्रेजेंट माइक्रोस्पोरेंजियास के नंबर की, तो बच्चों यहां आप देख पा रहे होंगे यहां पर फोर सर्कुलर स्ट्रक्चर्स हैं, यही फोर सर्कुलर स्ट्रक्चर्स कहलाते हैं माइक्रोस्पोरेंजिया। माइक्रोस्पोरेंजिया आर फोर इन नंबर, दैट्स व्हाई दिस कंडीशन इज कॉल्ड टेट्रा स्पोरेंजिएट। ये कंडीशन क्या कहलाती है बच्चों? टेट्रा स्पोरेंजिएट। जब हम बात करते हैं, देखो बच्चों, लास्ट क्लास हमने इस टॉपिक को स्टडी किया था, यहां पर हम बात कर रहे हैं टोटल कितनी माइक्रोस्पोरेंजिया प्रेजेंट है, फोर माइक्रोस्पोरेंजिया, और इसी कंडीशन को हम क्या बोलते हैं? टेट्रा स्पोरेंजिएट। यही माइक्रोस्पोरेंजिया आगे जाकर पॉलन सैक का फॉर्मेशन करती है और इन्हीं पॉलन सैक के अंदर डेवलप होते हैं पॉलन ग्रेन्स। क्या डेवलप होते हैं? पॉलन ग्रेन्स। तो बच्चों देखो, हम बात कर रहे हैं अब माइक्रोस्पोरेंजिया डेवलप फर्दर एंड बिकम पॉलन सैक। माइक्रोस्पोरेंजिया ही आगे चलकर क्या बनाती है? पॉलन सैक, और इसी पॉलन सैक के अंदर प्रेजेंट होते हैं पॉलन ग्रेन्स। क्या प्रेजेंट होते हैं बच्चों? पॉलन ग्रेन्स। तो एक एंथर के अंदर चार माइक्रोस्पोरेंजिया जनरली प्रेजेंट होती हैं मोस्ट ऑफ द प्लांट्स में और उन स्पोरेंजिया को ही हम आगे चलकर पॉलन सैक कहते हैं। जब उन पॉलन सैक के अंदर क्या डेवलप हो जाते हैं? पॉलन ग्रेन्स। अब बच्चों हम बात करते हैं माइक्रोस्पोरेंजिया के स्ट्रक्चर की। देखो बच्चों, माइक्रोस्पोरेंजिया की जब हम स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो माइक्रोस्पोरेंजिया, जब हम एंथर का ट्रांसवर्स सेक्शन लेते हैं तो माइक्रोस्पोरेंजिया का जो शेप है दैट अपीयर सर्कुलर। ये क्वेश्चन नीड पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब हम ट्रांसवर्स सेक्शन देखते हैं तो माइक्रोस्पोरेंजिया का शेप कैसा दिखाई देता है, तो माइक्रोस्पोरेंजिया का शेप दिखाई देता है सर्कुलर। क्लियर दिस थिंग? नाउ ईच माइक्रोस्पोरेंजिया इज सराउंडेड बाय फोर वॉल लेयर्स।
ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम और नीट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। माइक्रोस्पोरेंजिया के चारों तरफ फोर वॉल लेयर्स प्रेजेंट होती है और ये फोर लेयर्स होती है बच्चों एपिडर्मिस, एंडोथीशियम, मिडिल लेयर एंड पैपिलम। कौन कौन सी लेयर होती है देखो बच्चों, दिस वन इज अ वन माइक्रोस्पोरेंजिया। इस माइक्रोस्पोरेंजिया के चारों तरफ फोर लेयर्स होती है, लाइक दिस। सबसे बाहर वाली लेयर क्या कहलाती है एपिडर्मिस, ठीक है। आस्क द नेम ऑफ लेयर्स फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड और इनसाइड टू आउटसाइड। सेकेंड लेयर इज नोन एज एंडोथीशियम, द थर्ड लेयर इज कॉल्ड मिडिल लेयर। इस लेयर का नंबर एक से ज्यादा होता है, सेल्स की कई सारी लेयर्स होती हैं, एंड द फोर इनर मोस्ट लेयर इज कॉल्ड टैपिटा। तो दीज आर द फोर लेयर्स विच आर प्रेजेंट अराउंड माइक्रोस्पोरेंजिया, माइक्रोस्पोरेंजिया। नाउ देखो बच्चों, जो बाहर की तीनों लेयर्स होती हैं, कौन कौन सी, एपिडर्मिस, एंडोथीशियम एंड मिडिल लेयर, ये तीनों लेयर्स दो फंक्शंस परफॉर्म करती हैं। दे प्रोवाइड प्रोटेक्शन फर्स्ट थिंग, एंड एज वेल एज दे हेल्प इन डेहिसेंस ऑफ एंथर टू रिलीज द पॉलन ग्रेन्स। क्या मतलब है इसका, जब पॉलन ग्रेन्स डेवलप हो जाते हैं, एंथर मैच्योर हो जाता है, तो एंथर की रप्चरिंग में हेल्प करती हैं ये तीनों लेयर्स। कौन कौन सी लेयर्स, एपिडर्मिस, एंडोथीशियम एंड मिडिल लेयर। जो सबसे इनर मोस्ट लेयर होती है बच्चों, दैट इज टैपिटम, इसके कुछ अलग फीचर्स हैं। क्या फीचर्स हैं ध्यान से देखो, टैपिटम के अंदर डेंस साइटोप्लाज्म होता है, फर्स्ट फीचर। दे हैव मोर देन वन न्यूक्लियस, मींस टैपिटम शो मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन, टैपिटम शो मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन। और मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन को हम क्या बोल सकते हैं, सीनोसिटिक, व्हाट इट कॉल्ड, सीनोसिटिक। एंड इसका काम क्या है बच्चों, तो जो टैपिटम है दैट प्रोवाइड नरिशमेंट टू डेवलपिंग पॉलन ग्रेन्स। टैपिटम ही वो लेयर है जो पॉलन ग्रेन्स को क्या प्रोवाइड करती है, न्यूट्रिशन। क्या प्रोवाइड करती है बच्चों, न्यूट्रिशन। So guys, this is about the structure of microsporangia. Microsporangia are circular in outline. Each microsporangia covered by four layers: epidermis, endothecium, middle layer, tapetum. जो बाहर की तीन layers होती हैं, वो protection provide करती हैं, anther के dehiscence में involve होती हैं, और जो innermost layer होती है tapetum, that provide nutrition. That contain dense cytoplasm and that multinucleate in nature. अब देखो बच्चों, जो हमने first point discuss किया था, वो भी NCERT में mention है। जब anther young होता है, तो cells का एक group पाया जाता है microsporangia के center में, उसी को हम क्या बोलते हैं, sporogenous tissue। क्या बोलते हैं बच्चों, स्पोरोजीनस टिश्यू। तो माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर जो सेल्स का ग्रुप प्रेजेंट होता है, दैट इज नोन एज स्पोरोजीनस टिश्यू। अब देखो बच्चों, जो हमारा सेकंड टॉपिक है वो है व्हाट इज माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। हमारा टॉपिक है व्हाट इज माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। तो ध्यान से इसकी डेफिनेशन सुनो बच्चों, माइक्रोस्पोरेंजिया, माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर प्रेजेंट होती हैं सेल्स जिनको हम नाम देते हैं माइक्रोस्पोर मदर सेल्स। क्या नाम देते हैं बच्चों, माइक्रोस्पोर मदर सेल्स। इन सेल्स को हम पॉलन मदर सेल्स भी कहते हैं, दे आर नोन एज
माइक्रोस्पोर मदर सेल्स और पॉलिन मदर सेल्स। एंड माय डियर स्टूडेंट्स, ये जो सेल्स होती हैं, ये होती हैं डिप्लॉइड। कैसी होती हैं? डिप्लॉइड। यही वो सेल्स हैं जो आगे चलकर रिडक्शन डिवीजन करती हैं, मियोसिस करती हैं और फॉर्मेशन करती हैं माइक्रोस्पोर्स का। किसका फॉर्मेशन करती हैं? माइक्रोस्पोर्स का। और यही माइक्रोस्पोर्स आगे जाकर डेवलप होकर पॉलन ग्रेन्स का फॉर्मेशन करते हैं। उस टॉपिक को हम बाद में पढ़ेंगे, बट अभी हमें डिस्कस करना है व्हाट इज माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। तो हम इसको थोड़ा सा और डिटेल में लेकर चलते हैं। देखो बच्चों, हम स्टार्ट करते हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस को इस टॉपिक के बाद। देखो, ये आप देख रहे हैं यहां पर, दिस वन इज अ माइक्रोस्पोरेंजिया, दिस वन। और यहां पर बच्चों देखो, ये फोर सर्कुलर माइक्रोस्पोरेंजिया दी हुई है एंड दे आर कवर्ड बाय फोर लेयर्स, एपिडर्मिस, एंडोथीशियम, मिडिल लेयर एंड टैपिटम। तो टैपिटम, देन साइटोप्लाज्म प्रेजेंट है टैपिटम के अंदर, उसके बाद मिडिल लेयर, एंडोथीशियम एंड एपिडर्मिस। नाउ देखो बच्चों, अब हम बात करते हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस की। दिस वन इज अ वन ऑफ द माइक्रोस्पोरेंजिया, इस माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर जो कॉम्पैक्ट मास प्रेजेंट होता है सेल्स का, जिसको हम स्पोरोजिनस टिश्यू कहते हैं। बच्चों देखो, यहां मेंशन है सेल्स ऑफ स्पोरोजिनस टिश्यू is capable of giving rise to a microspore tetrad। जो स्पोरोजिनस टिश्यू की सेल्स होती हैं बच्चों, यहां पर जो सेल्स होती हैं, जैसा कि हमने पहले डिस्कस किया, इन सेल्स को हम कहते हैं माइक्रोस्पोर मदर सेल्स और पॉलिन मदर सेल्स। व्हाट दे आर कॉल्ड? माइक्रोस्पोर मदर सेल्स, और दे आर नोन एज pollen mother cells। What they are called? Pollen mother cells। अब देखो बच्चों, the process of formation of microspore from pollen mother cell through meiosis, meiosis means reductional division, is called microsporogenesis। जब माइक्रोस्पोर मदर सेल या पॉलिन मदर सेल, जिसका प्लॉइडी कैसा होता है बच्चों, 2n, जब इसमें मियोसिस होता है, क्या होता है बच्चों? मियोसिस। जब इसमें रिडक्शनल डिवीजन होता है, क्या होता है? रिडक्शनल डिवीजन। तो एज वी नो, आफ्टर मियोसिस वन पेरेंट सेल डिवाइड टू फॉर्म फोर डॉटर सेल्स। तो माइक्रोस्पोर मदर सेल डिवाइड होकर फोर माइक्रोस्पोर्स बनाती हैं, जो ग्रुप में प्रेजेंट होते हैं। किसमें प्रेजेंट होते हैं बच्चों? ग्रुप। और इसी ग्रुप को हम नाम देते हैं माइक्रोस्पोर टेट्राड। क्या नाम देते हैं बच्चों? माइक्रोस्पोर टेट्राड। ड्यू टू डेवलपमेंट ऑफ दीज माइक्रोस्पोर बाय मियोसिस, इनकी प्लॉइडी क्या हो जाएगी बच्चों? एन। क्या हो जाएगी? एन। यहां पर प्लॉइडी को लेकर बोर्ड लेवल पर कई सारे क्वेश्चंस बनते हैं, इवन नीट लेवल पर भी पूछे जाते हैं। तो वी हैव टू रिमेंबर, फ्लावरिंग प्लांट्स जो मेन बॉडी होती है वो स्पोरोफाइट होती है, फ्लावर भी मेन बॉडी का पार्ट है। तो फ्लावर का हर वो स्ट्रक्चर कैसा होगा? 2n या डिप्लॉइड होगा। नाउ देखो बच्चों, यहां पर माइक्रोस्पोर टेट्राड बन रहे हैं बाय द रिडक्शन डिवीजन ऑफ माइक्रोस्पोर मदर सेल और पॉलिन मदर सेल, एंड इसी प्रोसेस को
हम नाम देते हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। हम क्या नाम देते हैं? माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। डेवलपमेंट ऑफ ऑल फोर माइक्रोस्पोर टेट्राड बाय द रिडक्शनल डिवीजन ऑफ माइक्रोस्पोर मदर सेल और पोलन मदर सेल इज कॉल्ड माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। हम यहां पर भी रीड कर सकते हैं, माइक्रोस्पोर्स एज दे आर फॉर्म्ड आर अरेंज्ड इन अ ग्रुप ऑफ फोर सेल्स व्हिच आर नोन एज माइक्रोस्पोर टेट्राड, व्हिच आर नोन एज माइक्रोस्पोर टेट्राड। और जब एंथर मैच्योर होता है, उसका डिहाइड्रेशन होता है, ये माइक्रोस्पोर एक दूसरे से अलग हो जाते हैं और हर माइक्रोस्पोर से क्या बनता है बच्चों? पॉलन ग्रेन। दैट मींस ऑल फोर माइक्रोस्पोर विल डेवलप टू फॉर्म फोर पॉलन ग्रेन्स। वी कैन से वन माइक्रोस्पोर मदर सेल और वन पॉलन मदर सेल अंडरगो मियोसिस एंड प्रोड्यूस फोर माइक्रोस्पोर और फोर पॉलन ग्रेन्स। एंड डेवलपमेंट ऑफ दीज माइक्रोस्पोर्स बाय रिडक्शन डिवीजन ऑफ माइक्रोस्पोर मदर सेल इज नोन एज माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ पॉलन ग्रेन। थैंक यू सो मच।